the subject of international law, sources of international law, nature of international law, and its basics. What are its sources? How the international law become vanishing point of jurisprudence? All these things. Today I discuss with you subject of international law. Subject of international law means a subject which is emphasis on the international law. What are those things which impress the international law, which are included in the international law? Things which are included in international law. Number one is state. Number two is person. Number three is territory. Number four is government. Number five is international law, antarashtriya and rajyavidh. Antarashtriyavidh tatha rajyavidh dono paraspar ek dusre ke purak hain. Dono barabar ek dusre ke ek pahiye ke do chakke hain. आप देखेंगे कि जब अरिस्टो और प्लेटो, अरिस्टोटल और प्लेटो के समय ने राज की परिभाषा जब दी, तो उस समय राज बहुत एक छोटी सी संख्या का आबादी वाला देश, आबादी वाला, जनसंख्या वाला, लोगों की जनसंख्या वाला जो जनसमूह था उसे राज का. राज्य की परिभाषा केवल 500 मात्र थी, उसे राज्य माना गया. बोडिन ने परिभाषा दी तो उससे कुछ बढ़ा. इसी तरह स्टेट इज ए प्लेस वेयर द पीपुल कैन वर्क विद इन द टेरिटरी ऑफ हिज ज्यूरिसडिक्शन एंड इट्स all their natural resources, where the natural resources are finding. State have five things. Number one is government. Number two is territory. Number three is population. Number four is good governance. All these things are the basic need of the state. A state can supersede not only the people but also the law which was not controlled by the state. राज्य जो है कभी भी उनका अनादर नहीं करेगा जो राज्य में के द्वारा बनाई गई विधियों का उल्लंघन नहीं करती. राज्य के द्वारा बनाई गई विधियों का उल्लंघन करने वालों को राज्य कभी बख्शेगा नहीं. स्टेट लॉ, स्टेट मस्ट बी वर्क विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इट्स ओन लॉ फॉर वेयर द लॉ इज अप्लाइंग देयर लॉज. जैसे कि राज्य विधि और अंतर्राष्ट्रीय विधि के संबंध को देखते हुए आपको यह देखना है कि राज्य विधि जो कि राज्य के भीतर की गतिविधियों को उद्घोषित करता है और भीतर की गतिविधियां उसकी कितनी अच्छी होंगी वह उसके बारे में बताता है. जैसे अब आपको ये जानना आवश्यक है कि राज्य में देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स. एक शक्तिशाली राष्ट्र, एक विकासशील राष्ट्र. शक्तिशाली राष्ट्र वह राष्ट्र कहे जाते हैं जो सभी वह तो संप्रभु है ही हैं, सभी साधनों से लैस हैं, जिनके पास आज की दुनिया में सभी साधन उपलब्ध हैं. जैसे स्टेट्स ऑफ अमेरिका,
रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी एट्सेट्रा। लेकिन अब देखेंगे आप, विकासशील राष्ट्र वह राष्ट्र हैं जो विकास विकसित की कैटेगरी में जाने का प्रयास कर रहे हैं और विकसित होने में उनको अभी समय लगेगा। लेकिन फ्रॉम द टर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू स्टेट इज वर्किंग हार्ड एंड हार्ड, द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट इज गुड, द डिसीजंस टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज गुड इन फेवर ऑफ पब्लिक एंड द लॉ व्हिच वॉज मेड फॉर द पीपुल बाय द पीपुल टू द पीपुल इज बेनिफिशियल, देन द स्टेट इज सुपरसीडिंग डे बाई डे। ऑल दोज थिंग्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट कैन नॉट फ्लारिश विद इन ए डे। ए स्टेट कैन वर्क हार्ड एंड हार्ड ऑन द थ्री एरियाज, इकोनॉमिक एंड इट्स GDP एंड इट्स फॉरेन अफेयर्स। ए फॉरेन अफेयर्स मीन्स फॉरेन मिनिस्ट्री, फॉरेन एम्बेसी, दोज थिंग्स आर वेरी क्रूशियल, वेरी इम्पॉर्टेंट रोल फॉर प्रोग्रेसिव स्टेट। ए प्रोग्रेसिव स्टेट मस्ट बी ए प्रोग्रेसिव इन इम्प्रेसिव वे, सच लाइक वेयर दीज थिंग्स आर डूइंग और वर्किंग इन ए गुड मैनर। ए गुड मैनर मीन्स द प्राइम मिनिस्टर, लेजिस्लेचर, और यू कैन से द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्क्स हार्ड एंड हार्ड। द एटमिक एनर्जी, द डिफेंस सिस्टम, द फिनांस मिनिस्ट्री, द इन्वायरमेंटल लॉ, और यू कैन से द लैंड लॉ, और यू कैन से द लॉ व्हिच मेक्स द पीपुल टू फुलफिल देयर कंडीशन इन सच ए मैनर दैट शुड बी टू मच बेनिफिशियल फॉर द पीपुल फॉर सर्वाइविंग टूवर्ड्स द विकसित स्टेट। अब देखिए 15 अगस्त 1947 की आज़ादी है भारत की। 70 सालों के इतिहास में भारत एक विकासशील राष्ट्र बना, राज्य बना है, और इस विकासशील राष्ट्र में जब हम डाटा की बात करते हैं तो आज भी भारत विश्व की श्रेणी में दूसरी मिलिट्री शक्ति रखता है, थल सेना, वायुसेना। और देखिएगा इसमें जो लोग शामिल हैं, डिफेंस सिस्टम हमारा, आर्मी सिस्टम, नेवी सिस्टम, अमेरिका के बाद दूसरा स्थान रखता है, और लेकिन इकोनॉमी हमारी 5वें स्थान पे है, और इकोनॉमी कमज़ोर होने से हम विकासशील राष्ट्र बन गए हैं। विकसित राष्ट्र हम तभी बनेंगे जब हमारी GDP 10 के आसपास होगी। GDP का भी एक अच्छा होना विकसित राष्ट्र का सूचक है। राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय विद दोनों एक दूसरे के परस्पर सहयोग और संवर्धन से चलते हैं। राष्ट्र की परिभाषाएं अंतर्राष्ट्रीय परिभाषाओं से जुड़ी हैं। अगर राष्ट्र होगा तभी अंतर्राष्ट्रीय विद होगी, तभी अंतर्राष्ट्रीय विद का विकास होगा। जब राष्ट्र नहीं होगा तो अंतर्राष्ट्रीय विद का अवलोकन करना बड़ा मुश्किल है। जब एक राष्ट्र स्थापित होता है तो उसे प्रथम दृष्टया
मिनिमम 6 महीने के लिए, 1 वर्ष या उससे ज़्यादा 2 वर्ष के लिए फॉर द ट्रेनिंग पीरियड में उसे अंतर्राष्ट्रीय विद यह कहती है कि आप कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें फुलफिल करके दिखाओ, उन कंडीशंस को फुलफिल करके दिखाओ। अगर आप कंडीशंस को फुलफिल कर ले जाते हो तभी राष्ट्र की उपाधि दी जाएगी, राज्य की उपाधि दी जाएगी, अन्यथा आप राज्य बनने लायक नहीं हो। अब देखिए, जहां राज्य एक तरफ उन कंडीशंस को फुलफिल करता है और उन कंडीशंस में वह सभी चीज़ें आती हैं जैसे गुड गवर्नेंस, टेरिटरी एंड जीडीपी एंड इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, ऑल दोज थिंग्स दैट कैन वर्क इन ए सच ए मैनर दैट शुड नॉट बी इन ए क्रूशियल और डेंजरस वे। इफ दैट मैनर इज इन ए क्रूशियल और डेंजरस वे द स्टेट कैन नॉट सर्वाइव और द स्टेट कैन नॉट बी ए स्टेट। अब अंतर्राष्ट्रीय विद क्या कहता है? इंटरनेशनल लॉ हैव नॉर्म्स एंड नेचुरल जस्टिस। ए स्टेट कैन सर्वाइव विदाउट द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ कैन नॉट परमिट ए स्टेट विदाउट इट्स रिकॉग्निशन। व्हेयर द स्टेट्स रिकॉग्निशन इज रिक्वायर्ड, विदाउट इट्स रिकॉग्निशन द स्टेट कैन नॉट टेक्स इट्स रिकॉग्निशन। इफ द स्टेट इज टेक्स रिकॉग्निशन बाय इंटरनेशनल लॉ देन इट देन बिकम स्टेट। अब देखिए, जहाँ राज्य को मान्यता देने की बात आती है वहाँ अंतर्राष्ट्रीय विद अपना प्रमुख स्थान रखता है और अंतर्राष्ट्रीय विद के उन तथ्यों को देखते हुए अगर आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय विद एक मूलभूत विधि मानी जाती है जो कि राज्य के विकास में उसका उत्तर उत्तर विकास करने में एक सहयोग और संवर्धन का कार्य करती है। राज्य कभी भी अकेले विकास नहीं कर सकता। आप देखेंगे कुछ ऐसे हैं यूनेस्को, यूनिसेफ और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं WTO, WHO, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो राज्य को मान्यता देते हैं, राज्य उनके थ्रू सर्वाइव करता है। राज्य में शांति भी होनी चाहिए, देयर मस्ट बी ए पीसफुल पोजिशन, पीसफुल ट्रेडिशन इन द स्टेट। ए स्टेट हुई इज नॉट पीसफुल इन ए मैनर, हुई इज ऑलवेज डिस्टर्बिंग अदर स्टेट्स और यू कैन से डिस्टर्बिंग इट्स बाउंड्रीज, व्हेयर द बाउंड्रीज आर इन ए नॉट इन ए मैनरफुल देन इट बिकम ए वेरी इनसफिशियंट टास्क फॉर ए स्टेट टू बिकम स्टेट। That should be immaterial for the state. That the state should not survive. The survival fittest theory is that the state is a state where it recognized by international law through its important powers and the distribution of its powers and declarations of its distributions of its powers, the powers which have been distributed or you can say declared for the state, it must be in a such a manner that should be cooperative, be sophisticated, be silent in manner, be democratic, be formulative, be informal, be in good governance, be in good way. All those things are very important. The things which are very important for the state, is surviving day by day. The newly state is struggling for the position to become a state. A state where the state is in a new form, a nuclear state
or a new form state, there is a big difference. A nuclear state is a state which is topmost state in area. In topmost state in comparison of that state. A newly revealed state is a state which is becoming gradually day by day and become once upon a time then become a state. अब देखिए इन सारी बातों को देखते हुए अगर आप देखेंगे तो राज्य और अंतर्राष्ट्रीय विध एक दूसरे के पूरक हैं, मैंने पहले ही बता दिया है। फिर आपको बताना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय विध के बिना राज्य विध अधूरी है, राज्य विध का विकास अधूरा है, राज्य विध तभी विकास कर सकती है जब अंतर्राष्ट्रीय विध का सहयोग और संवर्धन रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय विध के संबंध में संवर्धन में अगर कोई कमी रह जाती है तो राज्य को चेतावनी दी जाएगी। इनटॉलरेंस, फियरनेस, कुछ ऐसे समय आते हैं जब राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चेतावनियां भी दी जाती हैं। डोंट डिस्टर्ब the neighbor of the state, don't disturb the neighbor of the state. A neighbor, you have to make the relation with the neighbor state in a very peaceful manner, in a democratic way, in a very sophisticated way. Both the states working in a one platform, in both such manner where the states work for a good future or in good future. Or you can say there are so many sincere things. The sincerity of the state is to become a top important states, becoming like America and other states. If you are going towards, then you become to be a top nuclear power, top economic power, top financial power, and the population growth is not also too much expensive. Goodbye, good day. Today is enough. Have a good day.